भाइयों अगर आप 90s एंड 2000 तक की पैदाइश हो देन ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही है। एंड बिलीव मी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू गाइस विल बी लाइक भाई मजे तो हमने ही लिए हैं कार्टून एंड एनिमे शो के, जो कि 100% सच भी है। एंड नाउ आज मैं आपको पेश करूंगा 10 कार्टून एंड एनिमे शोज, जो कार्टून एंड एनिमे शोज हम अपने चाइल्डहुड में देखा करते थे। और सच में अब जो मैं आपको कार्टून एंड एनिमे शोज दिखाने वाला हूं और उनकी जो थीम आपको सुनाऊंगा एंड ये थीम सॉन्ग सुनने के बाद आप लोगों को नॉस्टैल्जिया लिटरली काफी बुरी तरीके से हिट करेगा। सो अपने दिल को काबू रखना एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी कीमती टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। तो शुरुआत करते हैं बिल्ली मैंडी और लाइफ में हड्डी शो से। एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑलमोस्ट लोगों ने ये शो जरूर ही अपने चाइल्डहुड में देखा होगा। एंड मे बी हो सकता है कुछ लोग इस शो को हड्डी मेरा बड्डी के नाम से भी जानते होंगे। और जो लोग इस शो को इस नाम से जानते हो भाई मजे नहीं लिए अपने शो के फिर। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात सिर्फ वही लोग समझेंगे जिन्होंने बिल्ली मंडी और लाइफ में हड्डी शो को शुरुआत से ही देखा था कार्टून नेटवर्क पर। एंड ये शो कितना अच्छा था क्या ही बताऊं। एंड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा इस शो को मैं किस वक्त देखा करता था, बट आई थिंक शाम के 6 या 7 बजे करीब मैं इस शो को देखा करता था। एंड अगर आपको बिल्ली मैंडी और लाइफ में हड्डी शो की एग्जैक्ट टाइमिंग पता थी कि ये शो कब अराइव हुआ करता था तो कमेंट के जरिए जरूर बताना। एंड नाउ सुनते हैं बिल्ली मैंडी और लाइफ में हड्डी की थीम सॉन्ग। की स्टोरी सुनोगे तो उतर जाएगी चट्टी। और क्यूट क्यूट सा बदमाश बिल्ली गुड बॉय बन जाता है बिल्ली सामने जब आए मैंडी। इसकी सजा मिलेगी ऐसी वैसी नहीं। पॉन्ग शो और ये शो उन शो में से है जो कार्टून नेटवर्क पे शुरुआत में आया तो बट सिर्फ कुछ समय के लिए ही आया। एंड देन कॉन्ग शो रीटेलीकास्ट हुआ था सोनिक निकलोडियन पर। और सच में जब सोनिक निकलोडियन लॉन्च हुआ था और इस चैनल पे जो जो शो आया करते थे उनके लिए मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था मैं बता नहीं सकता हूँ। बट कॉन्ग शो सोनिक निकलोडियन पे आने के बाद भी कॉन्ग शो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला था, बिकॉज एज फार एज आई नो कॉन्ग शो में देखा तो करता था बट मैं इस शो को कम्प्लीट नहीं कर पाया था। एंड आफ्टर सम टाइम ड्यू टू सम रीजन कॉन्ग शो सोनिक निकलोडियन पे टेलीकास्ट होना भी बंद हो गया था। बट अगर आप लोगों ने कॉन्ग शो पूरा कंप्लीट करा हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताना मुझे। अगर आपको कॉन्ग की थीम सॉन्ग कुछ ज्यादा फील नहीं करा पाई हो तो अब बारी है जॉनी टेस्ट के थीम सॉन्ग की। ये थीम सॉन्ग आपको जरूर नॉस्टैल्जिया में जरूर पहुंचाएगा। खड़े बाल और है बैक पैक न्यारा जॉनी टेस्ट, ज्यादा ही है कुछ बहनों को ये प्यारा। एंड नाउ बारी है कोची के में एनिमे शो की। और सच में जिन लोगों ने अपने चाइल्डहुड में ये शो नहीं देखा तो भाई तुमने देखा ही क्या है फिर। एंड पर्सनली बोलूं इस टाइम मुझे कोची में शो के बारे में ज्यादा कुछ अब याद नहीं रहा, बट जब भी इस शो का थीम सॉन्ग सुनता हूं तभी फ्लैशबैक के जरिए कुछ ना कुछ चीजें याद आने लग जाती है। एंड नाउ देखते इस एनिमे शो का आप लोगों को क्या हिंदी थीम सॉन्ग याद है या नहीं। एंड नाउ बात करते हैं हागी मारू की, दुनिया का सबसे बड़ा बनिया। आई गेस मेरी इस बात से सभी एग्री करते होंगे और भाई करोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये है बनियों का बाप। एंड ऑनेस्टली इस छोटे से बंदे की बनियापंती देख के मजा ही आया करता था, बट अब कहाँ वो मजे बचे हैं टेलीविजन पर, अपने वाले दिन अलग ही थे भाइयों। एंड नाउ सुनते हैं हागी मारू की थीम सॉन्ग। एंड नाउ बारी है स्कॉट कैट, छोटे म्याऊ बड़े म्याऊ। और भाई बस एक बार कह दो एक बार कि तुमने भी इस कार्टून को अपने चाइल्डहुड में देखा है, बिकॉज मुझे बहुत कम ही लोग मिले हैं जिन्होंने ये कार्टून शो देखा हो अपने चाइल्डहुड में। एंड आई होप आप लोगों में से कोई हो वो लेजेंड जिसने अपने चाइल्डहुड में ये बेस्ट शो देखा होगा। Me
मे भी हो सकता है कि अब तक आपने जितनी भी थीम सॉन्ग सुने हो उन सारे थीम सॉन्ग सुनने के बाद आपको ये रियलाइज ना हुआ हो कि यार क्या ही मजा आया करता था ये सारे शोज देखने में। बट अब जो मैं आपको एनिमे शोज बताने वाला हूँ और इनके थीम सॉन्ग सुन के हिंदी थीम सॉन्ग सुनने के बाद लिटरली आपको नॉस्टैल्जिया काफी बुरी तरीके से हिट करेगा। सो शुरुआत करते हैं वन पीस से। आई नो वन पीस का नाम खैर सभी ने ही सुना होगा और आप में से काफी लोगों ने वन पीस कभी ना कभी तो देखा ही होगा अपनी लाइफ में। बट सवाल ये है कि क्या आप उन लोगों में से हो जिन्होंने वन पीस देखा था जब वन पीस इंडिया में टीवी पे टेलीकास्ट हुआ करता था वो भी हिंदी में। अगर हो तो क्या आपको वन पीस का हिंदी थीम सॉन्ग याद है? अगर नहीं याद है तो डोंट वरी, चलिए आपकी यादें ताजा करता हूँ। ताकत पायरेट किंग रॉजर के कदमों में पूरी दुनिया थी। अगर पकड़े जाने से पहले उसने अपना खजाना वन पीस एक अनजान जगह में छुपा दिया। अब खजाने की तलाश में ऐसी भीड़ है जैसे सड़क पे किसी ने चिल्ला लुड़का दिए हो। नाउ बारी वन ऑफ द बेस्ट चाइल्डहुड एनिमे शो डिटेक्टिव कॉनन। और भाई मुझे कोई एक ऐसा बंदा बता दो जिस बंदे ने डिटेक्टिव कॉनन शो देखा हो और उसके बाद डिटेक्टिव बनने की चाह ना रखी हो। और भाई इस एनिमे शो का अलग ही फैन बेस है। और सच में जिन लोगों ने डिटेक्टिव कॉनन अपने चाइल्डहुड में देखा था और अब जो मैं आपको डिटेक्टिव कॉनन का हिंदी थीम सॉन्ग सुनाने वाला हूँ ये हिंदी थीम सॉन्ग सुन के आप सीधा अपने बचपन की यादों की गहराइयों में चले जाओगे। क्या कह रहे हो, मेरी बात पे यकीन ले लो, सुनो और आजमाओ। इन्वेस्टिगेशन झुके करता हूँ, मुश्किल के जिसको मैं सुलझाता हूँ। सच बताना आ गया ना मजा सुन के? हाँ आई नो मैंने पूरा थीम सॉन्ग नहीं डाला था बट यार कॉपीराइट का इशू रहता है ना तो उसका भी ध्यान रखना होता है। एंड जिस तरह से आप लोग अपने चाइल्डहुड में डिटेक्टिव कॉनन एनिमे शो देखा करते थे एंड आई एम श्योर आप अपने चाइल्डहुड में आपने एक और एनिमे शो जरूर देखा होगा डिजिमोन। कान खड़े हो गए ना इसका नाम सुन के? एंड इन केस अगर किसी ने अपने चाइल्डहुड में डिटेक्टिव कॉनन शो ना ही देखा हो जिसका एक मेन रीजन ये भी है कि डिटेक्टिव कॉनन लिटरली काफी ओल्ड शो है एंड दैट्स व्हाई डिटेक्टिव कॉनन कुछ लोग अपने चाइल्डहुड में नहीं देख पाए होंगे। बट डिजिमोन उन एनिमे शोज में से है जिसे सब ने ही देखा होगा। एंड मुझे आपके स्कूल का तो नहीं पता बट मेरे टाइम पे मेरे स्कूल में डिजिमोन का लिटरली काफी ज्यादा क्रेज था एंड जहां हम सारे मिलके डिजिमोन की बात करें थकते नहीं थे। एंड नाउ मुझे डिजिमोन देखे हुए लिटरली एक अरसे से भी ज्यादा हो गया। अरसा क्या, अब तो बस याद ही नहीं लास्ट टाइम कब देखा था। एंड स्टिल जब भी डिजिमोन की हिंदी थीम सॉन्ग सुनता हूँ तो सच में वो गोल्डन डेज बहुत याद आते हैं। एंड आई होप आप भी मेरी इन बातों से रिलेट कर पाए, तो चलो चेक करते हैं। लड़ना ही है ये मैंने तो जान लिया, जब खाना है तो है माना, सरकारी और शाना और आपको नॉस्टैल्जिया में ऐसा पहुंचाता है कि आप बाहर निकलना नहीं चाहोगे। क्या कह रहे हो, मेरी इस बात पे भी यकीन नहीं हो रहा? लो देखो और आजमाओ, सॉरी सुनो और आजमाओ। नाउ सच सच बताना, घोस्ट एट स्कूल का हिंदी थीम सॉन्ग सुन के मजा आ गया ना? अगर आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ना आने का कोई सवाल बनता ही नहीं। सो भाइयों ये थे हमारे चाइल्डहुड के टॉप 10 बेस्ट कार्टून एंड एनिमे शोज। और इस लिस्ट में आपके कौन कौन से फेवरेट शोज थे चाइल्डहुड में कमेंट के जरिए जरूर बताना। और अगर आप लोग ये सारे शोज हिंदी में देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करवा दूंगा आप लोगों का। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।